हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं वी फोर वीडियोस। तो शायद आप लोगों को पता होगा कि मैंने अपने चैनल पे मिल्टन और सेलो की वैक्यूम बोतलों के ऊपर बहुत सारे टेस्टिंग वीडियोस बनाए थे, लगभग हर तरीके की कंडीशंस में, गर्म से गर्म और ठंडी से ठंडी सिचुएशंस में मैंने मिल्टन और सेलो की बोतलों की टेस्टिंग करी थी, उनकी इफिशियंसी नाप के आपको दिखाई थी। लेकिन अभी तक जो भी बोतल्स थी वो 1 लीटर की थी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे 0.5 लीटर की बोतल के साथ। और यहाँ पे मिल्टन और सेलो नहीं, मिल्टन की दोनों अपनी बोतल होंगी, दोनों अलग अलग मॉडल वाली बोतल होंगी, वो भी मिल्टन की। और हम लोग देखेंगे कि एक्सट्रीम कंडीशन में इन दोनों मिल्टन की बोतल में सबसे अच्छा परफॉर्म कौन सी बोतल करती है। तो यहाँ पे हमारे पास मिल्टन की थर्मोस्टील डुओ DLX 500 ml और दूसरी है मिल्टन की मिल्टन थर्मोस्टील फ्लिप लिड फ्लास्क 500 ml। तो हम लोग क्या करेंगे, इनमें भरेंगे उबलता हुआ पानी और इसकी 24 घंटे की एक्सट्रीम टेस्टिंग करेंगे। एक्सट्रीम टेस्टिंग से मतलब यहाँ पे इसको रूम टेम्परेचर पे रखना बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे इसको रखेंगे हम लोग फ्रीजर में। जी हाँ, उबलते हुए पानी को रखेंगे फ्रीजर के अंदर और देखेंगे कि ये दोनों बोतल कैसा परफॉर्म करती हैं। तो चलिए टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। अभी समय हो रहा है सुबह के 10:55 और 6 फरवरी है। तो हमने भर दिया है, मैंने भर दिया इन दोनों बोतलों में उबलता हुआ गर्म गर्म पानी। और चलिए पानी का टेम्परेचर नाप लेते हैं, और क्योंकि थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आ ही जाता है पानी भरने में, तो इससे मैं मिल्टन की फ्लिप लिड वाली बोतल में पानी का टेम्परेचर हो गया है 95.6 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी बोतल में देख लेते हैं डुओ में, तो डुओ का टेम्परेचर है इस समय 95.4 डिग्री सेल्सियस। तो क्योंकि इसमें मैंने थोड़ी देर बाद भरा था, अरे कुछ 10 सेकंड बाद भरा था, तो इतने में 0.2 का डिफरेंस आ गया। और इसे हम लोग रख देते हैं फ्रीजर में 3 घंटे के लिए, पूरा प्रैक्टिकल 24 घंटे के लिए फ्रीजर में ही होगा। और दोपहर के 2 बज चुके हैं और बोतल बाहर से काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। तो चले इन दोनों में भरे पानी का टेम्परेचर नाप लेते हैं। तो डुओ में निकल के आया है 85 डिग्री सेल्सियस 3 घंटे बाद, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला एक्सट्रीम कंडीशन में। और फ्लिप लिड वाली बोतल का टेम्परेचर भी देख लेते हैं 3 घंटे बाद कितना निकल के आया है, वो निकल के आया है 83.1 डिग्री सेल्सियस। तो 3 घंटे बाद फ्लिप लिड वाले का टेम्परेचर निकल के आया 83.2 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हम लोग इसे 3 घंटे के लिए और फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीजर में, यानी कि 6 घंटे बाद देखेंगे। तो समय हो गया है शाम की 5:05 कोई मिनट नहीं हुआ है, और 6 फरवरी 6 घंटे बीत चुके हैं। तो चलिए टेम्परेचर की रीडिंग ले लेते हैं। तो हमारी डुओ में जो टेम्परेचर निकल के आया है वो है 76 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें एक्सट्रीम कंडीशन में यानी कि फ्रीजर में रखने के बाद देखने को मिला है। 6 घंटे बाद इसका टेम्परेचर है 76 डिग्री सेल्सियस और हमारी फ्लिप लिड वाले का टेम्परेचर है 73.6 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत अच्छा टेम्परेचर इस समय यहाँ पे भी है। हम लोग अभी भी अच्छे से ग्रीन टी और पाउडर वाले दूध की चाय अच्छे से बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, 6 घंटे बाद भी, 3 घंटे बाद। और तो अभी का टाइम हो गया है रात के 8:01, पूरे के पूरे 9 घंटे बीत चुके हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कितना टेम्परेचर हुआ होगा। अगर इसका टेम्परेचर 60 के ऊपर हुआ होगा, जो कि है भी 67.9 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब हम लोग आराम से इससे ग्रीन टी और पाउडर वाले दूध की चाय बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और हम लोग अभी नाप लेते हैं अपनी फ्लिप लिड वाली बोतल का भी टेम्परेचर, जो कि निकल के आया है 64.9 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी मदद से भी, इतने गर्म पानी से भी, हम लोग आराम से अपनी ग्रीन टी या फिर पाउडर वाले दूध की चाय बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए पानी की बोतलों को एक आखिरी बार फ्रीजर में रखते हैं और करते हैं अपनी टेस्टिंग को पूरे 24 घंटे की। अब ये मिलेंगी आपको सीधा सुबह 11 बजे अगले दिन। तो 11:00 बज चुके हैं, 7 फरवरी है, बोतलों को 24 घंटे पूरा फ्रीजर में बीत चुका है। बीच की रीडिंग तो मैंने आपको दिखाई दी थी और ये है लास्ट रीडिंग, जो कि है 24 घंटे बाद की। 24 घंटे बाद की रीडिंग है यहाँ पे हमें 42 डिग्री सेल्सियस डुओ में। तो अगर आपको ये वाला थर्मामीटर खरीदना है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ पर जाके इस थर्मामीटर को भी खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छा थर्मामीटर है।
और देख लेते हैं अपने फ्लिप लिड वाले बोतल की रीडिंग कितनी आती है। और इसकी रीडिंग है 24 घंटे बाद 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारी रीडिंग, फाइनल रीडिंग 24 घंटे बाद की एक्सट्रीम कंडीशन में, यानी कि फ्रीजर वाली कंडीशन में। तो आप लोगों ने देखा कि हमें एक्सट्रीम कंडीशंस में कितने अच्छे रिजल्ट मिले, तो इस हिसाब से नॉर्मल कंडीशंस में हमें और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर 60 डिग्री के ऊपर पानी है तो उससे आप ग्रीन टी या फिर पाउडर वाले दूध की चाय बना के पी सकते हैं, आपको ख़राब नहीं लगेगी। तो हमने देखा कि हमारा पानी तो 24 घंटे तक गर्म था, लेकिन 9 घंटे तक का पानी ही कुछ बनाने लायक था। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पूरे टेस्टिंग में पानी की मात्रा सेम थी, यानी कि 500 ml। अगर आप लोग पानी की मात्रा को कम कर देंगे तो आपका पानी और भी जल्दी ठंडा हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैंने टेस्टिंग फ्रीजर के अंदर की है। नॉर्मल लाइफ में आपको और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और इन दोनों बोतलों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां पर जाके इसे खरीद सकते हैं। मैंने वही लिंक दी है जहां से मैंने खुद खरीदा है। तो आप लोग कमेंट में बताइए क्या अगली टेस्टिंग चाय के साथ करी जाए या फिर दूध के साथ, इन दोनों 500 ml बोतल में बताइएगा ज़रूर। और हाँ, अगर आप लोग वीडियो में 5000 लाइक्स पूरे कर देंगे तो वो वाला वीडियो और भी जल्दी आ जाएगा। तो इन शॉर्ट 9 घंटे में ये दोनों बोतलें देंगी आपको गुड रिजल्ट, 6 घंटे में ये दोनों बोतलें देंगी आपको बेटर रिजल्ट, और 3 घंटे में ये दोनों बोतलें देंगी आपको बेस्ट रिजल्ट, वो भी एक्सट्रीम कंडीशंस में, यानी कि चाहे जितनी भी सर्दी बाहर पड़ रही हो। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना।